अस्सलाम वालेकुम भाई जान, माजरत कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। सबसे पहले आपने अपना जो भी आपका DVR है उसके अंदर आपने ये USB लगा लेनी है। ये मेरी माउस की पिन थी, ये मैंने निकाल दी है और यहाँ पे मैंने ये USB लगा दी है। USB लगाने के बाद आपने अपने कंप्यूटर में आ जाना। ये देखिए, ये USB का साइन आ गया कि USB लग चुकी है। उसके बाद आपने इसको, मेरा माउस नहीं चल रहा, एक मिनट। USB लगाने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, इसको आपने बैक कर देना और आपने मेन मेन्यू में चले जाना। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी कि कितने दिन की रिकॉर्डिंग है। तो मैं इसके पीछे जाके ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 28 को। डबल क्लिक कर देना आपने और यहाँ से वो कैमरा सेलेक्ट कर लेना जो आप देखना चाह रहे हैं या जिसकी वीडियो लेना चाह रहे हैं USB के अंदर। और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो भी आप मतलब कि रिकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं वो टाइम आपने चेक कर लेना है, देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग लेना चाह रहा हूँ, तो वो टाइम आपने यहाँ पे ऊपर चेक कर लेना है कि कौन सा टाइम कहाँ से कहाँ तक आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। और आपने यहाँ से प्लेबैक में जाके इसको ओपन कर लेना। प्लेबैक में ओपन करने के बाद ये आपके पास दो डेट्स हैं। स्टार्ट टाइम का मतलब ये है कि किस डेट से आपने स्टार्ट करना है, और एंड टाइम का मतलब है कि किस दिन तक आपने एंड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, महीना, और यहाँ से आपने डेट और वो सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कर देता हूँ 6, और यहाँ मैं कर देता हूँ 28, यहाँ पे भी कर देता हूँ 6, और यहाँ पे कर देता हूँ 28। मैंने डेटें दोनों सेलेक्ट कर लिया, अब टाइम मैंने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कर लेता हूँ 1:22 से लेके 1:45 तक की मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। और यहाँ से आपने टाइप जो है वो ASF कर लेनी है। इससे ये होगा कि अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल के अंदर चलाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी ये चल जाएगी। और यहाँ पे आपने इसको ये आप चेक कर सकते हैं, ये फाइल बन गई है। जैसे ही आपने 1 की क्लिक की बैकअप के ऊपर क्लिक करना है तो ये वो फाइल बन गई है, जनरेट हो चुकी है वो फाइल जो आप करना चाह रहे थे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, डेट भी उसने बता दी आपको और टाइम भी आपको वो बता रहा है कि यहाँ से लेके 1:22 से लेके 1:45 तक की जो फाइल है उसका इतना जो मतलब कि साइज़ होगा, और वो जो है ये USB के अंदर जा रही है। और ये नीचे जो टाइमिंग शो हो रही है इसका मतलब है कि ये इतनी देर में उसके अंदर शो हो जाएगी। इस तरह करके आपने इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लेनी। तो जी हाँ, ये अभी आप देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है। इसको ओके कर दें आप, और अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखें, अभी मैंने ये USB अपने कंप्यूटर में लगा ली है। USB लगाने के बाद आपने अपने माय कंप्यूटर को ओपन करना है और USB में जाना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ गई है NVR, यहाँ पे ये प्ले की स्मार्ट प्लेयर के नाम से आ गई। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, हमने चैनल नंबर 1 की वीडियो बनाई थी तो ये वो चैनल नंबर 1 की वीडियो आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पे आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, 1:22 से ये स्टार्टिंग हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।